लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी में हाई बीपी से बचने के लिए डाइट से इस तरह घटाएं नमक की मात्रा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेकिन उससे पहले बोलना चाहूँगा, चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकून की घंटी बजा दें जिससे हमारे आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो आइए शुरू करते हैं। प्रेगनेंसी में हाई बीपी से कंट्रोल की स्थिति माँ और बच्चे के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। हाई बीपी के कारण डिलीवरी के दौरान शारीरिक समस्याएं बढ़ती हैं। इस वजह से बच्चे की ग्रोथ में भी रुकावट आती है। एक हेल्दी व्यक्ति को डॉक्टर दिन भर में 1 टीस्पून नमक का सेवन करने की सलाह देते हैं, जिसको हम बोल रहे हैं 5 ml आप नमक खा सकते हैं, 5 ml से ज्यादा आपको नमक नहीं खाना है। लेकिन कई बार ज्यादा नमक खा लेने के कारण महिलाओं को प्रेगनेंसी में हाई बीपी की समस्या हो जाती है। प्रेगनेंसी में बीपी को कंट्रोल करने के लिए सॉल्ट इंटेक कम करना जरूरी है। इस वीडियो में आपको बताएंगे 5 तरीके जिनकी मदद से आप सॉल्ट इंटेक को कम कर सकते हैं। प्रेगनेंसी में नमक कितना खाना चाहिए? प्रेगनेंसी के दौरान नमक खाना स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है, लेकिन जरूरत से ज़्यादा नमक नहीं खाना चाहिए। प्रेगनेंसी में हर महिला को रोजाना 3.8 ग्राम नमक का सेवन करना चाहिए। ध्यान रखें कि एक दिन में 3.8 ग्राम से अधिक नमक का सेवन, 5.8 से अधिक नमक का सेवन ना करें। इससे कई शारीरिक समस्याएं हो सकती हैं। माने मिनिमम आपको जो खाना है वो 3.8 ग्राम खाना है और ज़्यादा से ज़्यादा 5.8 खाना है। जनरली आम नेचुरल जो कोई भी मेल फीमेल है, बड़े हैं, उनको 5 ग्राम से ज़्यादा नमक मैं रिकमेंड कभी भी नहीं करता हूँ। 5 ग्राम के अंदर ही आपको नमक खाना है। अगर 5 ग्राम के ऊपर आप नमक खाते हैं तो हाई बीपी के साथ और भी बहुत सारी बीमारियां आपको लगना शुरू हो जाती हैं। प्रेगनेंसी में सॉल्ट इंटेक कैसे कम करें? नमक कम करने के लिए पानी की मात्रा बढ़ाएं। प्रेगनेंसी डाइट से नमक की मात्रा कम करना चाहते हैं तो पानी का अधिक सेवन करें, लेकिन उसका भी लिमिट होना चाहिए। रोज 7 से 8 गिलास पानी पिए। पानी डाइट में ग्रीन टी को शामिल करें। इसके अलावा सुबह अजवाइन का पानी पी सकते हैं, सौंफ का पानी पी सकते हैं, काली मिर्च का पानी पी सकते हैं। पानी पीने से बीपी भी कंट्रोल रहता है और शरीर में पानी की मात्रा भी बढ़ती है। पैक्ड फूड की मात्रा कम करें। जो पैकेज फूड आते हैं उनको जितना हो सके अवॉइड करें तो आपके लिए वो अच्छा रहेगा। हम जाने अनजाने पैक्ड चीज़ों का सेवन करने लगते हैं, इससे डाइट में नमक की मात्रा बढ़ जाती है। नमक की मात्रा को कम करने के लिए आपको ताज़ा और पैक्ड खाने का सेवन करना चाहिए। यहाँ तक कि अगर आप घर पर खाना बनाकर खा रहे हैं तो गौर करें कि कितना रॉ इंग्रेडिएंट्स प्री कुक्ड है और कितने में नमक पहले से मौजूद हो सकता है। उदाहरण के लिए लोग मैदा की जगह आटा से बने नूडल्स खाते हैं, लेकिन इसमें डाला जाने वाला सॉस में भी नमक की मात्रा ज़्यादा होती है। ताजे फल सब्जियों को डाइट में शामिल करें। अगर आप प्रेगनेंसी में सॉल्ट इंटेक कम करना चाहती हैं तो ताजी सब्जियां और फल खाएं। गर्भवती महिलाओं को संतरा, नींबू, किन्नू जैसे फलों का सेवन करना चाहिए। इनमें विटामिन सी होता है जिससे इम्यूनिटी बढ़ती है और बीपी भी कंट्रोल में रहता है। आप चाहें तो सुबह नाश्ते में ताजे फलों के जूस का भी सेवन कर सकते हैं, लेकिन वो पैकेट वाला
फ्रूट जो जूस रहेगा उसको अवॉइड करने का है। आप संतरे का जूस घर पे बना सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो, आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।